সালটা 1571। এক প্রভাবশালী সম্রাট বিশাল সাম্রাজ্য ও ধন সম্পত্তি থাকা পরেও তার মনে শান্তি ছিল না, কারণ একাধিক রানী থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এমন অবস্থায় তার স্বপ্নাদেশে পাওয়া আজমেরের খোয়াজা মঈনুদ্দিন চিস্তির পুত্রের কাছে যান। তার দোয়ায় সেই সম্রাটের হিন্দু রানীর কাছ থেকে এক পুত্র সন্তান জন্মায়। বাদশাহ তার পুত্রের নাম সেই ধর্মগুরুর নামেই রাখেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি দীপা, তোমাদের ক্যানভাস এক্সপোর আরেকটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত। তো চলো বন্ধুরা, আজকে আমাদের সাথে তোমরাও ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে সম্রাটের জীবনের 14 বছরের অধ্যায়কে সামনে থেকে দেখে আসি দীনি ইলাহি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আকবর এবং তার স্বপ্নের নগরী ফতেহপুর সিক্রি। প্রথমেই বলে রাখি, ফতেহপুর সিক্রি আমরা একসাথে বললেও দুটি আলাদা জায়গা। আগ্রা থেকে 40 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই দুটি নগরী দেখতে তাজমহল থেকে বেরিয়ে পড়লাম, যেমনটা আগের এপিসোডে দেখেছিলে। আর যদি সেই ভিডিও না দেখে থাকো তাহলে উপরের আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করে দিও, আর খুব ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে পাশের বেল আইকনটাকে অন করতে ভুলো না, যাতে পরের ভিডিও এলে তোমরাও নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। শহরে ঢোকার মুখেই চোখে পড়বে সিক্রি গেট। সম্রাট আকবর আরও 9টি এমন গেট তৈরি করে একটিকে আরেকটির সাথে যুক্ত করেছেন। ইতিহাসের বইয়ের পাতার প্রতিটি শব্দ যখন নিজের চোখে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয়। 1571 সালে সম্রাট আকবর তার ধর্মগুরু হযরত সেলিম চিস্তির দোয়ায় তার প্রিয় রানী হাকরাবাই ওরফে যোধাবাইয়ের কাছ থেকে সন্তান লাভের পর তিনি এই শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। আমাদের সিক্রিতে ঢুকতে টিকিট লেগেছিল, কিন্তু ফতেহপুরে কোনো টিকিট লাগেনি। এই বড় মাঠটাকে বলা হয় দিওয়ানে আম। এখানে সম্রাট আকবর আম জনতার কথা শুনতেন এবং প্রয়োজন মতো বিচার করতেন। यानी जो भी क्राइम करता था तो हाथी के नीचे डाल दिया जाता था और हाथी उसको अपने पैर से कुचल के मार दिया करता था। अकबर के टाइम में फांसी का सिस्टम नहीं होता था, ना ही जेल में डाला जाता था, जनता के सामने ही सजा दी जाती थी ताकि आगे से कोई क्राइम ना करे। तो ये दीवाने आम अंदर देखेंगे, दीवाने खास अकबर का पार्लियामेंट था। अरे এটা হলো দিওয়ানে খাস। এখানে সম্রাট তার 9 মন্ত্রীকে নিয়ে সলা পরামর্শ করতেন। এই মহলটি বাইরে থেকে দোতলা দেখতে হলেও ভেতরে কিন্তু একটাই তলা। ये सामने मुगलों से पुराना गांव है सीकरी, यानी अकबर के दादा बाबर से पहले का गांव सीकरी। बाबर आया था तो गांव तो था लेकिन फतेहपुर नहीं था, फतेहपुर का नाम बाबर ने रखा था। ठीक है, तो ये काफी बड़ा मैदान देख रहे हैं ना, ये टाइम में लेक होता था, आज फार्मिंग होता है यहाँ पर। ये सामने खेती हो रहा है, टाइम में लेक होता था, मोती झील। ऐसे 52 टैंक बनवाए थे बादशाह अकबर ने जगह जगह, क्योंकि पानी का कमी था तो बारिश का पानी स्टोर किया जाता था। ये देखिए हार्वेस्टिंग के लिए ये नालियाँ बनी हुई हैं, तो ये सीधा पानी जाकर टैंक में गिरता है। सामने टावर बना हुआ है हिरन मीनार, अकबर के हाथी का नाम था हिरन। ये सामने इसका हाइट है 75 फीट। बॉक्स के अंदर जमा किया था, लेकिन ऐसा नहीं था ये खुला नहीं था, इसमें दरवाजे होते थे। आप
दरवाजे होते थे आबूस की लकड़ी के। आबूस की लकड़ी काफी म्याद होती है, उसकी म्याद हजारों साल होती है। वो अफ्रीका और लंका में पाई जाती है। ताजमहल के नीचे लगा हुआ ना आबूस की लकड़ी लगा हुआ, यानी जितना भी पानी में भिगेगा उसका लाइफ उतना ज्यादा हो जाएगा। लास्ट में आप शेख सलीम चिश्ती का दरगाह देखेंगे, वहाँ पर आज भी आबूस की लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। ब्लैक कलर का है, देखने में लेदर है। असल ये सब रास्ते निकलते कैसे? ज्यादा डीप नहीं है। ये ज्योतिष पंडित परसोत्तम दास यहाँ बैठा करते थे, जो राजस्थान से थे। हाथ देख करके फ्यूचर के बारे में बता दिया करते थे। देखिए यहाँ बादशाह एक गेम खेला करते थे, 64 गेम, गेम ऑफ 25। ये महाभारत में खेला गया है। चारों साइड में ये बॉक्स बने हुए हैं, चारों साइड में चार चार दासियों को प्यादा में आकर के खड़ा कर दिया जाता था। उन्हें अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहना दी जाती थी, हरी लाल नीली पीली। उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाते थे। बीच में बादशाह और रानी बैठ करके पासा फेंकते थे। पासे में जो भी करता था जिसके डांस उसे डांस करने के बाद में बॉक्स को क्रॉस करना पड़ता था, जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता था। यहाँ से बाद शक्कर बाहर जाते थे, बालकनी दिखाया था ना मैंने, बालकनी में जाते थे बाद शक्कर और उनकी नौ नफरत न्याय करने के लिए। ये पांच मंजिल का महल है, पंच महल 176 पिलर हैं और पिलरों पर ही टिका हुआ है। इसका डिजाइन बहुत बेहद है, हर मंजिल पर डिफरेंट डिजाइन के पिलर हैं। हिंदू रानी जोधाबाई यहाँ से करवा चौथ का व्रत खोला करती थी, चांद देखा करती थी। मुस्लिम रानी ईद और रमजान का चांद देखा करती थी। और बादशाह अकबर यहाँ गर्मियों की ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे, तो इसको हवा महल भी कहते। यहाँ तानसेन और बैजू बाबरा का म्यूजिक कंपटीशन भी हुआ था। तानसेन गाते थे दीपक राग और बैजू बाबरा गाते थे निर्मला। यानी तानसेन जब गाते थे तो दिए जल जाते थे और बैजू बाबरा गाते थे बारिश होती थी। उन दोनों के म्यूजिक कंपटीशन में तानसेन हार गए थे, बैजू बाबरा जीत गए थे। যেহেতু হিন্দু রানী যোধাবাই নিরামিষ ভোজে ছিলেন, তাই বিয়ের আগে করা শর্ত অনুযায়ী তার রান্নাঘর আলাদা ছিল, যার দেওয়ালে খোদাই করা আছে বিভিন্ন রকমের রাজস্থানী ঝুমকার ডিজাইন। সিকরি থেকে বেরিয়ে আমরা চলে আসলাম 70 মিটার দূরে থাকা ফতেপুরে। এটা হচ্ছে বাদশাহী গেট। এখান থেকে সম্রাট আকবর এবং তার পরিবারের লোকেরা প্রবেশ করতেন। अग्नि की पूजा करता अग्नि की ईरानी आर्ट कम राजा
ये सामने वर्ल्ड का फेमस गेम है जिसका नाम है बुलंद दर्जा, हिंदी में बोलता है उसको द्वार। सम्राट अकबर यहाँ से आता था, आम जनता यहाँ से आती थी। और सामने मस्जिद है, ये धर्मगुरु महाराज का दरगाह है, ये धर्मगुरु नाती का दरगाह है, ऐसे तो सब कुबर रांची अमन लोग कुबर संत लोग का दरगाह। और इलेक्ट्रिक नहीं था उस जमाने में, काला काला घुमट जो दिखता है ना यार, उस जमाने में लाइट देता था इलेक्ट्रिक नहीं देता था, ऑयल लाइट मसाल के अंदर हरा पीला लाल पेपर देता था राजपूत था। ये छोटा छोटा कमरा है ना, यह मेहमान ढकता था उस जमाने में, अमेरिका का इंग्लैंड का कश्ती से आता था, यह रहता था मुसाफिर खाना थे। এই সেই ধর্মগুরু হযরত সেলিম চিশতির দরগা। কথায় বলে এই দরগা থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। পৃথিবীর উচ্চতম বুলান দরওয়াজা মাটি থেকে 176 ফুট উঁচু। এই দরওয়াজা থেকে আমজনতা ফতেপুরে প্রবেশ করত। ইতিহাসে মোড়া এবারের ট্রিপ এখানেই শেষ। আমাদের এই পুরো সিরিজটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানিও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও, আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। খুব তাড়াতাড়ি নতুন গল্প নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। ততক্ষণ স্টে টিউনড, টাটা।